हाँ अनंजय, हेलो, हाँ अनंजय बाबा की जय हो, ओहो, जय हो, जय हो। क्या भाई इतना बड़ा टीका? भैया कैसे हैं? आप कुछ तो देख ले। आप एक्सक्यूज किया आप देख ले, हम लोग बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, बस आप नहीं है, ये कमी है। अच्छा क्या प्रणाम करने आवेदन विनायक प्रिया नित्यम अभी आए क्या? तेरे भगवान दोनों अरे वो डबिंग चला था रात का करीब 3-4 बजे डबिंग के लिए। अच्छा जरा जूता निकाल लीजिए थोड़ा। स्वस्तस्य विनाशाख्य पुत्र कन्या वेदिता विनायक प्रिया नित्यम आई आई है उठिए आप फोन पकड़िए। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः सति नः देवता विश्ववेदाः सति न तारको अरिष्टनेमिः सति नो बृहस्पतिः ददातु श्रीशते लक्ष्मीश पत्न्या वो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं शिलो व्याप्तं मयि गाढ सर्वलोका मयि धाम। ओम देव हो जानते रंगम जानते हे पृथ्वी शांति शांति गदय शांति वनस्पत शांति पृथ्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिर शांति शांतिरे शांतिर्भवतु यात्रे स्वयं सुखतीनां भवने स्वलक्ष्मे पापात्मनां कृतधियामृतये श्रद्धा सदां कुलजनां प्रभवस्य लज्जा तात्वान्न तस्म परिपालनम्। देखिए ये टाइटल जो है मोकामा 0 किलोमीटर, ये अपने आप में अपने पूरी स्क्रिप्ट पूरी कहानी को बताने के लिए काफ़ी है। हमारे भोजपुरी भाषी जो भी हैं इस नाम को बहुत अच्छे से जानते हैं। मोकामा एक ऐसे जगह की नाम है, एक ऐसे जगह का नाम है जिस नाम को लोग उदाहरण के रूप में बोलते हैं कि मोकामा से आयल बड़गा, मुकामा जाए के बगा। तो इस फिल्म के बारे में अभी बहुत जानकारी तो नहीं दे सकते, बस इतना बता सकते हैं कि ये फिल्म संतोष मिश्रा जी लिख रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके पहले अभी उन्होंने पटना से पाकिस्तान डायरेक्ट किया। एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा को दर्जनों सिल्वर जुबली फिल्में दी है एज राइटर, और जब वो डायरेक्शन में आए तो डायरेक्शन में भी उन्होंने आज भोजपुरी सिनेमा को एक ऐसी फिल्म दिया जिस फिल्म ने पूरे हिंदुस्तान में सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, जो भी पहले के जितने भी रिकॉर्ड थे चाहे वो हमारी फिल्मों के या बाकी फिल्मों के। तो संतोष मिश्रा जी बहुत ही टैलेंटेड राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, और उनकी ये फिल्म है, वो ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। और इसके जो निर्माता हैं सुजीत तिवारी जी, जिनके कह सकते हैं कि इनके लिए फिल्मी जो सफ़र है वो खानदानी है, इनके दादाजी इनके पिताजी के समय से भोजपुरी सिनेमा में अपना योगदान देते आए हैं, और अब के समय में सुजीत भैया ने भोजपुरी सिनेमा को बहुत अपना योगदान दिया है, तो वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। सर बात करें जो है सीपीआई मूवी जो सुजीत तिवारी की कंपनी है जी, वही बता रहा था मैं कि सुजीत भैया ने जो ये सीपीआई मूवी बनाया, जो कंपनी बनाया, इसमें उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई भी, और बनाने के साथ साथ बहुत सारी फिल्में जो किसी वजह से रुक जाती थी या कहीं कोई दिक्कत आती थी तो उनको आगे बढ़ के उनको बनवाना रिलीज करवाना बहुत सारी चीज़, तो एक बड़े अच्छे नियत के साथ ये इंडस्ट्री में है। और ऐसे लोग अगर हमारी इंडस्ट्री में हैं तो मुझे लगता है कि भोजपुरी सिनेमा दिन हर दिन आगे बढ़ेगा, अच्छी फिल्में बनेंगी, और इस फिल्म को खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी फिल्म बनने जा रही है। सर बात करें निरहुआ हिंदुस्तानी पटना पाकिस्तान से लेके अब तक अमरपाली जी आपके साथ रही हैं, कैसी केमिस्ट्री है? ये तो अमरपाली जी ज्यादा अच्छा बताएंगे। केमिस्ट्री इतनी अच्छी इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है और इनके साथ काम करते हैं तो ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप चीजें होती जाती है। केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है, आप लोग बताइए केमिस्ट्री कैसी है? अभी ये मूवी करना लाइक कितना चैलेंजिंग रहा, कितना लाइक अब जैसे काफी कंफर्टेबल हैं, कितना चैलेंजिंग कुछ जैसा रहा?
चैलेंजिंग तो हर स्क्रिप्ट अपने आप में चैलेंजिंग होती है, बट देन हम लोग के लिए इजी हो जाता है आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वही काम है तो हम बार बार वही करते रहते हैं, सो इट बिकम्स इजी फॉर अस। बात करें मुकामा 0 किलोमीटर की, इसमें किस तरह से कमिटी रहने वाली है, क्या रोल रहेगा आपका? और रोल के बारे में तो अभी कुछ खास बता नहीं पाऊंगी, लेकिन केमिस्ट्री हम वेरी श्योर उतनी अच्छी होगी और काम भी हर फिल्म से बेहतर करने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो इस बार भी पिछली फिल्मों से बेहतर ही करेंगे। नहीं, दोनों फिल्मों जहां हम लोगों ने देखा आप हमेशा बदला लेने ही के चक्कर में रहती हैं, इसमें क्या करना है, इसमें भी बदला लेंगे या नहीं? इसमें कुछ बदलेंगे जी, आप क्या कहना चाहेंगे मुकामा में किस तरह से? मुकामा में बहुत ही अलग, और आम्रपाली जी के साथ एक बड़ा अच्छा है इनके, मतलब लक कहेंगे, ये जैसे हमारे लिए बहुत लकी हैं, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत लकी हैं, जब से आई हैं पिछले 1 साल 1.5 साल पहले हर कोई ये बात, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों या फिल्म के बाहर के लोग हों, हर आदमी ये कहने लगा था कि भोजपुरी सिनेमा बैठ गया, भोजपुरी सिनेमा नहीं चल रहा है, भोजपुरी सिनेमा। ऐसे में हम लोगों ने एक ऐसे स्क्रिप्ट की तलाश किया था निरहुआ हिंदुस्तानी, और एक ऐसे डायरेक्टर सतीश जैन जी जिन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्में बनाई थी, अब बात आके रुक गई थी हीरोइन के ऊपर कि वो फिल्म पूरी हीरोइन के ऊपर थी, एक हीरोइन ऐसी जो एक बहुत मॉडर्न लड़की है, और जब वो बदलती है एक हिंदुस्तानी कल्चर को जब अपनाती है तो वो उसका जो सौंदर्य, उसका रूप, उसकी अदाएं वो पागल कर देने वाली होनी चाहिए, ऐसा डिमांड रखा था डायरेक्टर ने भी और स्क्रिप्ट की ये डिमांड थी। तो बड़े ढूंढने के बाद मुझे लगता है करीब हम लोग 7 महीना सिर्फ हीरोइन ढूंढते रह गए, और 7 महीना बाद उस फिल्म के लिए आम्रपाली जी मिली, और इन्होंने उस फिल्म को इतना बखूबी निभाया कि थिएटर में जब हम लोग जाते थे प्रमोशन में, फिल्म जब सिल्वर जुबली हो गई और हम थिएटर में जाते थे तो लोग कहते थे कि हम फिल्म भैया 50 बार देखे, 25 बार देखे, 30 बार देखे, तो उनसे जब हम लोग सवाल करते थे कि आप क्या देखने आते हैं इतना बार, 30 बार, 1 बार 2 बार फिल्म देखा जाता है, बोले हीरोइन को देखने आते हैं। तो बड़ा लक रहा हम लोगों का कि ये सीरियल पहले करती थी, और हम लोगों ने एक बार कहा और ये मान गई, जबकि हमने कम से कम 100-150 लोगों को अप्रोच किया था सीरियल से लेके हिंदी की हीरोइन तक, सबने ना बोल दिया था। तो इन्होंने, हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं इनके, और उसके बाद लगातार जो भी फिल्में इनके साथ में आई सब एक से एक रही। अपना पटना से पाकिस्तान में भी लोगों ने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक बात केमिस्ट्री की है तो हर फिल्म में पहले से बेहतर हम दोनों दिखेंगे, क्योंकि एक दूसरे को समझने को, जानने को, और एक दूसरे का जब स्वभाव पता चलता है क्या किसको बुरा लगता है अच्छा लगता है, तो हम अपने सीन में और अच्छा कर पाते हैं और एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं। तो आने वाली फिल्म में पहले से और ज्यादा अच्छा और एक अलग अंदाज दिखेगा हम दोनों का। 10 साल पुराना जो इतिहास दोहराया आपने, जो ससुराल वाला, पैसा वाला और पंडित जी बताने दिया कबूल के बाद, निरहुआ हिंदुस्तानी पटना से पाकिस्तान तक जो आपने इतिहास 10 साल का पुराना दोहराया है जी, मुकामा से क्या कहेंगे, और जो इतिहास दोहराने वाला परंपरा आपने सुनते क्या कहेंगे? देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये हमारे अंदर कोई इतनी औकात नहीं है कि हम दोहरा पाएं, इतिहास खुद को खुद ही दोहराता है। और सबसे बड़ी बात होती है फिल्म मेकिंग में कि पूरी यूनिट काम करती है, एक टीम होती है, अगर हम अच्छी टीम का चुनाव ना करें तो मेरे बस का नहीं है कि मैं कोई बहुत अच्छी फिल्म बना लूं, कोई बहुत बढ़िया फिल्म बना लूं। जब एक बहुत अच्छा डायरेक्टर, बहुत अच्छा प्रोड्यूसर, बहुत अच्छी हीरोइन, बहुत अच्छा हीरो, बहुत अच्छे उसके बाकी किरदार मिलते हैं, अच्छी टीम मिलती है, तो एक अच्छी फिल्म बनती है। हाँ, ये जरूर है कि निरहुआ हिंदुस्तानी से हम लोगों ने एक चीज सीख लिया कि हम फिल्म बनाने से पहले इस पे हमारा ध्यान होगा कि हम पहले अच्छी टीम कैसे बनाएं। तो वही काम हमने पटना से पाकिस्तान में किया, वही हमने निरहुआ रिक्शा वाला 2 आ रही है उसमें किया, और वही काम हम लोगों ने इसमें किया है मुकामा 0 किलोमीटर में। इसमें एक एक किरदार, एक एक जो भी टेक्नीशियन है वो सब बहुत अच्छे हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, तो एक अच्छी टीम बन गई है, अब अच्छी फिल्म बन जाएगी। अमरपाली जी, आप क्या कहेंगी दर्शकों से इस फिल्म को? मुकामा एक बहुत ही डिफरेंट स्टोरी होगी, आप लोगों को फुल एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, थ्रिल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो प्लीज ये फिल्म के लिए वेट करिए और प्लीज इसे देखने जाइएगा। इस फिल्म में एक चीज